कौन करेगा फिल्म में सपोर्टिंग रोल में काम? आखिर क्यों करना पड़ा हाई वीएफएक्स का यूज? क्या आमिर खान और रणबीर कपूर साथ में देखने को मिलेंगे? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पॉलीग्राफ स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। पीके अगेन 2022 की अपकमिंग मूवीज में से एक है। इस मूवी का ऑडियंस को काफी टाइम से इंतजार है और अब तो मेकर्स ने भी ये फिल्म आने की कंफर्मेशन दे दी है। अब बस हम सबको इस मूवी का बहुत इंतजार है। दोस्तों, आज आप लोगों को इसी मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। पीके अगेन के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी हैं और इनकी डायरेक्ट की हुई फिल्म सारी हिट गई है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कोई मूवी जल्दी फ्लॉप नहीं होती। इनकी हर स्टोरी में कोई नया मैसेज जरूर होता है। इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि पीके अगेन में भी हमें कोई नया कंसेप्ट देखने को मिलेगा। पीके में हमें भगवान पे अंधविश्वास करने का कंसेप्ट समझाया गया था और अब खबर ये आ रही है कि पीके अगेन में हमें साइंस वर्सेस मैथोलॉजी का कंसेप्ट बताया जाएगा। बात करें पीके की कास्ट की तो हमें पीके में आमिर खान, सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा देखने को मिले थे, और इसी फिल्म के एंडिंग में हमें रणबीर कपूर भी देखने को मिले थे जो कि एक एलियन है और वो भी अर्थ पर गलती से आ जाते हैं। दोस्तों, कहा ये जा रहा है कि हमें पीके अगेन में रणबीर कपूर तो देखने को मिलेंगे ही, बल्कि इनके साथ साथ आमिर खान और अनुष्का शर्मा भी नजर आ सकते हैं। बात करें सुशांत सिंह राजपूत के कैरेक्टर की तो न्यूज ये आ रही है कि इस बार पीके अगेन में सुशांत सिंह राजपूत को राजकुमार राव रिप्लेस कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को आप सब तो जानते ही होंगे, उनका परफॉर्मेंस सबका दिल जीत लेने वाला होता था। इट्स सैड कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। बात करें राजकुमार राव की तो वो भी कुछ कम नहीं है। उनकी काफी मूवीज हैं जो कि ऑडियंस को उनका फैन बना देती हैं। उन्हीं में से कुछ मूवीज हैं छलांग, रूही, स्त्री और मेड इन चाइना। उनका नाम वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक है। वेल, एक फिल्म में चार एक्टर्स को एक साथ देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, और वो भी इतने अमेजिंग एक्टर्स। दोस्तों, पीके अगेन में बात करें सपोर्टिंग रोल की तो खबर ये आ रही है कि इस बार सपोर्टिंग रोल में हमें पवन ईरानी देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने कई फिल्मों में अपना बेस्ट दिया है और व्यूअर्स को ये काफी पसंद भी आए हैं। पवन ईरानी हैप्पी न्यू ईयर, थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई, एमबीबीएस जैसी हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने पीके में भी अपना सपोर्टिंग रोल दिया था और पीके में ये अनुष्का शर्मा बॉस के रोल में देखने को मिले थे, और दोस्तों ये रोल इनका ऑडियंस को इतना पसंद आया था कि पीके अगेन में भी वो इनको देखना चाहती है। खबरों की माने तो ऐसा होगा कि इस बार भी पवन ईरानी हमें पीके अगेन में देखने को मिलेंगे। खबर ये भी आई है कि पवन ईरानी के अलावा भी हमें कुछ फेमस स्टार्स और देखने को मिल सकते हैं। वेल, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा इन खबरों में कितनी सच्चाई है। हम सबको इस मूवी का काफी इंतजार है। दोस्तों, पीके अगेन में हमें हाई वीएफएक्स का कमाल देखने को मिल सकता है। खबरों की माने तो पीके अगेन में हाई वीएफएक्स इसलिए यूज किए जाएंगे क्योंकि इस फिल्म में कई तरीके के सीन्स दिखाए जाएंगे जो साइंस से रिलेटेड होंगे और हमारी रियल लाइफ से रिलेट नहीं करते। आपको बता दें कि वीएफएक्स का यूज मूवीज में तब किया जाता है जब किसी ऐसे सीन को दिखाना हो जो हमारी रियल लाइफ में नहीं हो सकती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजकुमार हिरानी ने टॉप कंपनीज के वीएफएक्स में से एक प्राइम फोकस कंपनी को इस फिल्म का वीएफएक्स संभालने को कहा है। दोस्तों, अब ये सब सुनके तो मूवी काफी मजेदार नजर आ रही है। वेल, वी विश ऑल द टीम बेस्ट ऑफ लक एंड मे दिस मूवी विल बी द ब्लॉकबस्टर। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है श्रुतिका।